मुद्दतवाद कश्मीर घाटी में गोलियों की गड़गड़ाहट की जगह ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। मुद्दतवाद घाटी में बम बारूद की जगह शहनाई की गूंज सुनाई पड़ी। मुद्दतवाद घाटी की फिजा में विकास की बयार का असर दिखाई पड़ा। मुद्दतवाद जन्नत में अलगाववाद आतंकवाद बुलेट पर बैलेट की ताकत की जीत नजर आई। पहली बार केसर के दयार में कमल की बहार दिखाई पड़ी। धारा 370 हटने के बाद गुपकार गैंग फुपकार मार रहा था। जब तक धारा 370 और 35 से दोबारा लागू नहीं हो जाती तब तक हर चुनाव बेमानी है, विकास का हर दावा झूठा है। लेकिन घाटी की जनता ने न सिर्फ मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि घाटी में बीजेपी को उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें देकर यह पैगाम दे दिया जो उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ेगा और वही उनका रहनुमा होगा, वही उनका रहबर भी होगा। घाटी में गूंज उठी लोकतंत्र की शहनाई। कश्मीर में जमहूरियत की जीत की बधाई। दहशत को मात देकर खिला कमर। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी ने जो विकास किया है पूरे जम्मू कश्मीर में, आज उनकी उतनी पॉपुलैरिटी है कि आज भारतीय जनता पार्टी की पहली सीट कश्मीर घाटी से निकली है। मैं पूरे देश को इस सीट की मुबारकबाद देना चाहता हूं। इरादे बुलंद हो, नियत साफ हो, सोच की दिशा सही हो तो वही होता है जो कश्मीर में हुआ है। जो 370 कभी जम्मू कश्मीर की नामुराद तकदीर मान ली गई थी, न सिर्फ उसका अंधेरा छटा बल्कि लोकतंत्र के सरोवर में कमल भी खिले। अलगाववादी, आतंकवादी, पाकिस्तानवादी और जिहादी सब माथा पीटते रह गए, छाती कूटते रह गए, तमाशा देखते रह गए और जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनाव का उत्सव धूमधाम से मन गया। और नतीजे आए तो केसर के दयार में कमल खुल के खिलखिला उठा। श्रीनगर की खोमोह सेकेंड सीट पर बीजेपी उम्मीदवार एजाज अहमद ने गुपकार गैंग के उम्मीदवार को धूल धूसरित कर दिया। केसर की केसरिया घाटी में अब बंदूक नहीं, विकास की बात हो रही है। हम लोग डटे हुए हैं और आने वाले टाइम में कश्मीर में अमन हो, खुशहाली हो, तरक्की हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और जो प्रोपेगेंडा जो अलायंस फैलाती थी उनको फिर से रिवाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आज जनता क्या चाह रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ दे चुकी है और चाहती है आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की और सीटें बढ़े, इसलिए अलायंस को फिर से एक बार सोचना चाहिए। बाकी जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जो भी उनके मैनिफेस्टो है या जो भी उनकी तर्जियात है उन पे एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। अब इससे बड़ा बदलाव और क्या होगा जिस कश्मीर में कभी बीजेपी का झंडा लहराना भी गुनाहे अजीम माना जाता था, वहाँ न सिर्फ कमल के सिंबल पर उम्मीदवार मैदान में उतरे बल्कि अवाम ने उन्हें जीत भी दिलाई। आतंकवाद प्रभावित बांदीपोरा जिले में कल तक बीजेपी का कोई नामलेवा भी नहीं था, आज वहाँ की तुलैल सीट पर बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। मेरे जो तुलैल के लोग है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी दी है, मैं हमेशा से उनका शुक्रगुजार रहूँगा। ये कामयाबी मेरी नहीं, ये मेरे लोगों की कामयाबी है, मेरे उस गरीब इलाके की कामयाबी है। उन्होंने मुझे नहीं चुना है, उन्होंने तरक्की को चुना है। पूरा देश जिस तरह मोदी जी के साथ है, जम्मू और कश्मीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहा है। हमारे विरोधी ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सब मिल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर दिखा दिया। कश्मीर वैली में भी कमल खिल गया है, इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। मसला श्रीनगर और बांदीपोरा में बीजेपी की जीत का नहीं है, मसला लोकतंत्र की जीत का है। जो गुपकार गैंग कश्मीर में युवाओं को गुमराह कर अपने भविष्य की स्याह इबारत लिख रहा था, उसे न सिर्फ इस चुनाव में शामिल होना पड़ा
बल्कि उनके समर्थक भी बंदूक की जगह विकास की भाषा बोल रहे हैं। जो हमारा कैंडिडेट है एनसी की तरफ से था कैसर अहमद गनाई, इन्होंने जीत हासिल की है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में डेवलपमेंट बहुत होगी, हम उनका शुक्रगुजार हैं। घाटी में जो राष्ट्रवाद के साथ थे वो लोकतंत्र की जीत के जश्न में है। जो गुपकार गैंग की रहबरी में अलगाववाद का हसीन ख्वाब देखते थे उन्हें भी लग गया कि तिरंगा ही उनकी तकदीर है। तिरंगा और राष्ट्रवाद के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले चुनाव ने घाटी के लोगों में उम्मीद की एक नई किरण बिखेर दी है। दशकों बाद यहां की फिजा में जन्नत की असली रौनक दिखाई दे रही है। श्रीनगर और बांदीपुरा जैसी जगहों पर बीजेपी की जीत ने घाटी में राष्ट्रवाद का डंका बजा दिया है। पहली बार युवाओं में लोकतंत्र को लेकर जोश दिखाई दे रहा है और पहली बार विकास की उम्मीद नजर आ रही है और पहली बार पड़ोसी पाकिस्तान के हौसले पस नजर आ रहे हैं। प्रत्युष खरे, जी मीडिया, श्रीनगर। आइए एक बार फिर से आपको मैं श्रीनगर लिए चलता हूं। दोनों सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, शालिनी बने हुए हैं, प्रत्युष भी बने हुए हैं। प्रत्युष, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। मुद्दों तो बात कश्मीर की घाटी में गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच जो ढोल नगाड़े सुनाई दिए वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन आपके पास बड़ी खबर है, बताइए क्या है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कश्मीर में बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न किस तरीके से बनाया जा रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जीत के जश्न की तस्वीर सामने आ रही है और जीत के ये जश्न की तस्वीर इसलिए भी खास मायने रखती है बीजेपी के लिए क्योंकि कश्मीर में वैली में बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव चाहे 2014 या 2019 का चुनाव हो, जम्मू और लद्दाख संभाग में ही बीजेपी ने अब तक जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार डीडीसी के लोकल बॉडीज के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया, मंत्रियों का एक पूरा रैला आया, धुआंधार प्रचार जिस तरीके से किया, बीजेपी को जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुरूप परिणाम सामने आए हैं। लगभग बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि यहां से हम 10 से ज्यादा सीटें निकाल लेंगे, लेकिन शाहनवाज हुसैन ने एक बात साफ कही थी हमारे साथ बातचीत में, उन्होंने कहा था कि चुनाव में जीत हार चलता रहता है लेकिन लोकतंत्र जीते ये सबसे बड़ी बात है। 3 से 3 से ज्यादा सीटें वैली से निकाली है बीजेपी ने। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, ढोल नगाड़े की तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जरा तस्वीरें देखिए जरा। और इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी इसमें शामिल हुए जीत के इस जश्न में। 67 सीटें अब तक बीजेपी कुल मिलाकर जीत चुकी है, कुछ सीटों पर अभी भी बीजेपी बढ़त बनाए। चलिए हमारे साथ शालिनी भी लगातार बनी हुई है। शालिनी देखिए, जम्मू में बीजेपी मुख्यालय की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर में जो बीजेपी ने परफॉर्म किया है ये ढोल नगाड़े सबसे ज्यादा उधर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर के अंदर भी ये ढोल नगाड़े साफ तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें भी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और ये ढोल नगाड़े भी दरअसल एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जिसे छोटा चुनाव मानती है और इसीलिए दिग्गज इन चुनावों में कभी भी उतरते दिखाई नहीं दिया है। बात सिर्फ कश्मीर की नहीं, आप हैदराबाद में अभी निकाय चुनाव हुआ है उसको भी याद कीजिए, वहां पर भी कांग्रेस के कोई बड़ा चेहरा, दिग्गज चेहरा दिखाई नहीं दिया था और इसीलिए छोटा चुनाव बड़ा मैसेज, और इतना बड़ा मैसेज आएगा ये शायद कांग्रेस को भी यकीन नहीं रहा होगा। और इसी चुनाव और इसी मैसेज के जरिए ये तस्वीर भी अभी जो मिल रही है ये पूरे पूरे जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन की भी अभी मौजूदा तस्वीर को बयां करती है। इसके साथ साथ प्रत्युष, मैं ये भी कहूंगी, इन तस्वीरों को दिखाते हुए मैं ये भी कहूंगी कि ये जो तस्वीर है ये कश्मीर को क्या मिला है वो बताती हुई है। देखिए, कौन जीता कौन हारा, बीजेपी को इससे क्या मिला, पीडीपी को क्या मिला, क्या मिला उमर अब्दुल्ला को, ये तमाम चीजें सोचने के साथ साथ हमें ये समझना पड़ेगा कि कश्मीर को इससे क्या मिला। कश्मीर आपके पास फिर से लौटूंगा, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं ये साफ है कि एक तरफ खुशी है और धारा 370 हटने के बाद गुपकार गैंग लगातार फुफकार मांग रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, राष्ट्रवाद जारी है।